गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे एंड हम लोग अभी खड़े हैं अलीबीरी के ट्रैक पॉइंट पे। सुबह सुबह हम लोग तिरुपति बस स्टैंड से बस लेके यहाँ पे पहुँचे हैं एंड लगभग 20 मिनट लगा हम लोग को अलीबीरी पहुँचने में। एंड सामने ये जो रास्ता है ना, ये बस का रूट है। थोड़ा आगे जाते ही वहाँ पर आपको अलीबीरी टोल गेट मिलेगा। अलीपीरी स्टेप्स शुरू करने से पहले सब कोई ना यहाँ पे नारियल अर्पण करता है। उसके बाद वो लोग सब अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स तिरुमाला टेम्पल। एंड जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना लगेज रखवा सकते हो यहाँ पे, उसकी फैसिलिटी है, प्लस कार भी पार्क कर सकते हो। तो लगेजेस आपको तिरुमाला टॉप पे ही मिलेगा। 2 घंटे के आसपास में ये लोग लगेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो तिरुमाला टेम्पल तक हम लोग को रास्ते में 4 गोपुरम्स मिलेंगे। एंड अभी जो आपके सामने है, ये फर्स्ट गोपुरम है हम लोग के जर्नी का, ये राजा गोपुरम है। कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद यहाँ पे गौ माता की पूजा होती है और फिर हम लोग ने लक्ष्मी नारायण स्वामी जी के भी दर्शन किए। तो ये अलीपीरी रूट का फर्स्ट गोपुरम है, इसे राजा गोपुरम भी कहते हैं। एंड यहाँ से तिरुमला है 9 किलोमीटर्स एंड यही डिस्टेंस आज हम लोग पैदल तय करने वाले हैं। उसके बाद कुछ स्टेप्स चलने के बाद ही आ जाता है फ्रिस्किंग पॉइंट, जहाँ पे आपके सारे लगेजेस स्कैन होते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। अलीपीरी फुटवॉक का जो मार्ग है ना, वो 7 हिल से गुजरते हुए जाता है और सारे हिल्स बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। स्टेप्स कवर करते करते ही ना हम लोग को दिखा ये हनुमान जी का टेम्पल एंड यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर। जो लोग तिरुमला दर्शन करने आते हैं पैदल चलकर, वो लोग दिव्य दर्शन के कैटेगरी में आते हैं। और बाई वॉक तिरुमला पहुंचने के 2 स्टोन फुटपाथ रूट्स है, एक है अलीपीरी मेट्रो जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं एंड दूसरा है श्रीवरी मेट्रो। अलीपीरी वॉकवे 24 आवर्स खुली रहती है, लेकिन श्रीवरी मेट्रो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुली रहती है। रास्ते में चलते चलते ना आपको टोटल 10 अवतार्स के टेम्पल्स दिखेंगे।
अलीपीढ़ी मेट्रो में 3550 स्टेप्स है और श्रीवरी मेट्रो में 2400 स्टेप्स है एंड डिस्टेंस है 2.1 किलोमीटर। अलीपीढ़ी मेट्रो में बाई वॉक आपको टोटल डिस्टेंस कवर करना होता है 9 किलोमीटर। श्रीवरी मेट्रो को आप लोग 2 आवर्स में कवर कर सकते हो बिना रेस्ट किए। जैसे ही हम लोग ने 250 स्टेप्स कवर किए, हम लोग पहुंच गए दूसरे गोपुरम तक एंड इस गोपुरम को मैसूर गोपुरम भी कहते हैं। बहुत सारे भक्त इस पूरे जर्नी में हर स्टेप्स पे कुमकुम या हल्दी लगाते हैं या फिर कपूर जलाकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 1000 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी का टाइम है 8:28 AM। सो तकरीबन सुबह के 7:14 पे हम लोग ने स्टार्ट किया था स्टेप्स चढ़ना एंड लगभग एक घंटे में हम लोग का 1000 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। तो लगभग 2000 स्टेप्स चढ़ने के बाद 2083 स्टेप पे मिलेगा गली गोपुरम, जो कि है थर्ड गोपुरम इस अलीपीढ़ी फुटवॉक रूट का। गली गोपुरम पहुंचते ही आपको दिव्य दर्शन का टोकन काउंटर भी मिलेगा।
TTD के द्वारा आपको जगह जगह पे जल प्रसादम की सेवा मिलेगी और छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करने पे ही ना आपको भरपूर स्नैक्स के स्टॉल्स भी मिलेंगे। रास्ते में तो बीच बीच पे आपको कई सारे खाने के छोटे मोटे शॉप्स दिखेंगे, प्लस वॉशरूम फैसिलिटी और रेस्टरूम्स भी अवेलेबल है। एंड हर गोपुरम को क्रॉस करने पे ना आपको डिस्पेंसरी फैसिलिटी भी मिलेगी। एंड अगर आपको यहाँ से ब्रेकफास्ट या फिर लंच करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। गली गोपुरम क्रॉस करते ही ना आप लोग को हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिलेगी। एंड चलते चलते हम लोग को दिखा साइन बोर्ड पे लिखा है कि डू नॉट फीड वाइल्ड लाइफ, तो कुछ नेचुरल वाइल्ड लाइफ दिख जाए हम लोग को रास्ते में, उसी आशा और एनर्जी के साथ हम लोग फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 10:15 है और 2.5 घंटे में हमने 2100 स्टेप्स कवर कर लिए। अलीपीरी फुटवॉक का ये पॉइंट मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पे एक बड़ा सा हनुमान जी का स्टैचू है। सभी श्रद्धालु अपना माथा टेकते हुए फिर एक न्यू एनर्जी के साथ बाकी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो इस पॉइंट पे ना TTD के द्वारा आपको हेल्थ केयर सेंटर्स भी बने हुए हैं, प्लस रिफ्रेशमेंट्स के जगह भी है। एंड सामने ही आपको एक फॉरेस्ट म्यूजियम भी दिखेगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े हम लोग को रियल वाइल्ड लाइफ दिखे, कुछ यूनिक बर्ड्स, न्यू टाइप के स्क्विरल्स और डियर। इस रूट पे आगे बढ़ते हुए वाइल्ड एनिमल्स के साथ
हमें श्री राम, सीता माता, लक्ष्मी जी और हनुमान जी की भी दर्शन हुए। और इस पूरे वॉकवे में टोटल 10 मूर्ति है भगवान जी के, वो भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल पे, जो कि आपको मिलेगा स्टेप नंबर 2850 पे। एंड यहीं पे दिव्य दर्शन टोकन चेकिंग पॉइंट भी है। अभी तक हम लोग 2850 स्टेप्स कवर कर चुके हैं। एंड सामने का जो रास्ता है, कुछ दूरी तक इसी रास्ते पे हम लोग पैदल जाने वाले हैं। इस रास्ते पे ना बहुत ही केयरफुली चलना है, बिकॉज साइड से ही बस और कार भी जा रही है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता चलने के बाद हम लोग इस अलीपीरी फुटवॉक के लास्ट गोपुरम तक पहुंचेंगे। हम लोग अगस्त मंथ में तिरुपति विजिट किए, तो हर तरफ ग्रीनरी है। एंड स्टेप्स चलते वक्त ना थोड़ी थकान हो रही थी, लेकिन स्टेप्स से साइड में बैठने की जगह भी बने हुए हैं। एंड अभी वाला रास्ता पूरा प्लेन है, तो इस ग्रीनरी एंड ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मोकालीमित्ता गली गोपुरम, जो कि है सबसे लास्ट गोपुरम इस अलीपीरी रूट का। तिरुमाला टेंपल यहां से है 3 किलोमीटर पे, यानी कि हम लोग को और 640 स्टेप्स चलना पड़ेगा, फिर हम लोग पहुंचेंगे तिरुमाला। तो अभी बस 450 स्टेप्स ही चलने हैं और आधे घंटे में ही हम लोग पहुँच जाएंगे आखिरी स्टेप पे। आखिरी गोपुरम जैसे ही आप लोग पहुँचोगे, वहाँ पे कई श्रद्धालु अपने घुटनों पे चलते हैं।
देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए लास्ट स्टेप के पास। एंड यहाँ पहुँच के ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि आज हम लोग 3550 स्टेप्स कवर किए हैं। सो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय।